नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद नामदेव मैं नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिसरोद में एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रॉनटोलॉजिस्ट यहाँ पे आ, काम कर रहा हूँ पिछले पाँच वर्षों से और भोपाल में मुझे दस से ज़्यादा हो चुके हैं आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है जो कि बहुत साधारण बहुत कॉमन सी परेशानी है और उसको बोलते हैं एसिडिटी हमारी ओ में डेली कई मरीज़ आते हैं जिनकी कंप्लेंट पेट से संबंधित शुरू ही होती है एसिडिटी से अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात डिटेल में करूँगा आप लोगों से कि एसिडिटी होती क्या है ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो एसिड है ये सभी के शरीर में बनता है जैसे कि हम अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें भोजन करना ही होता है और अगर हम भोजन करेंगे तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में कई तरह के जूसेस बनते हैं और जिनमें से एक होता है एसिड तो आप ये मान लें कि यदि हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं दोपहर तो में लंच कर रहे हैं और रात में अगर डिनर कर रहे हैं तो दिन में तीन बार हमको पेट में एसिड बनेगा ही बनेगा अब बात यहाँ इंटरेस्ट की ये आती है कि ऐसा क्या होता है कि एसिड जब हम सभी को बचपन से लेकर पूरी ज़िंदगी बनता है लगातार तो फिर एसिडिटी क्यों होने लगती है तो हमको समझना है कि जो एसिड हमारे पेट में बनता है वो खाने को पचाता है उसको पचाने में मदद करता है और ये जो एसिड है ये अगर मैं बात करूँ कि जैसे कुछ लोग नॉनवेज होते हैं तो नॉनवेज जो खाते हैं वो भी उसी चीज़ से बना हुआ जिससे हमारा शरीर अंदर बना होता है मांस से और पैस से तो ऐसा क्या है कि जब एसिड उस मांस या नॉनवेज जो खाते हैं उसको पचा देता है लेकिन हमारे शरीर के अंदर उससे नुकसान नहीं होता तो समझना ये कि जब हम खाते हैं यहाँ से खाना तो जब ये पहले फूड पाइप से नीचे आता है और यहाँ स्टमक होता है अग्नाशय जिसे बोलते हैं वहाँ जब स्टमक में खाना पहुँचता है तो वहाँ एसिड बनता है और वो उस एसिड के कारण पचता है लेकिन उस एसिड से जो हमारा स्टमक है वो इसलिए बचा रहता है कि वहाँ पे एक म्यूकस की लेयर होती है म्यूकस मतलब एक जेली टाइप की चीज़ होती है जिससे कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है कुछ और सिक्रीशंस भी होते हैं जिसके कारण एसिड से हमारा शरीर बचा रहता है लेकिन जो भोजन होता है वो वहाँ पच जाता है अब ऐसा क्या है कि कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो हम देखें कि जब भी ये बैलेंस बिगड़ेगा एसिड और म्यूकस के बीच में यदि एसिड ज़्यादा बनने लगा या म्यूकस किसी कारण से कम हो गया तो वो बैलेंस के चलते डिसबैलेंस के चलते हमारे पेट में सूजन आने लगती है वो एसिड नुकसान करने लगता है यानी एसिड हमारे शरीर को भी पचा सकता है और उस पाचन प्रक्रिया में जब डिसबैलेंस होता है तो हमारे पेट में सूजन आने लगती है सूजन को ही फिर हमें दर्द होने लगता है जलन पड़ने लगती है और यदि वो चीज़ बढ़ जाए तो फिर छाले बनते हैं ज़्यादा हो जाए तो उसमें फिर हमें अल्सर भी बनते हैं और अगर हम ध्यान ना दें या वो चीज़ बार बार होती रहे तो वो अल्सर हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस भी करते हैं कॉम्प्लिकेशंस कई तरह के हो सकते हैं कि पेट के अंदर की नसें कहीं परफोरेशन हो जाए या कभी उसके नीचे खून की नस आ जाए तो खून की उल्टी हो जाए तो ये सारी चीज़ें एसिडिटी के कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं लेकिन साधारणतः है पेशेंट जो होते हैं उनको एसिडिटी मतलब ये होता है कि जो स्टमक है हमारा पेट का ऊपरी हिस्सा है जहाँ एसिड बनता है वहाँ जलन पड़ने लगती है जलन कम ज़्यादा भी हो सकती है और उसके साथ जैसे मैंने बोला ये फूड पाइप से खाना नीचे जाता है वैसे एसिड रिफ्लक्स यानी नीचे का वाल्व अगर कमज़ोर हो जाए तो वो एसिड ऊपर आने लगता है अब ये जो ऊपर आने वाली प्रक्रिया इसको हम आम भाषा में रिफ्लक्स डिजीज़ या गर्ड बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ तो इसमें होता है कि जब पेशेंट खाना खाता है तो उसको कुछ समय बाद जो है फिर खाना मुँह की तरफ आने लगता है उसमें छाती में जलन होने लगती है उसको डकारें आने लगती हैं उसके मुंह में खट्टा पानी आने लगता है और कभी कभी इवन उल्टियाँ भी होती हैं और पेशेंट का खाना भी बाहर आ जाता है ये ज़्यादा गंभीर स्थिति में होता है साधारणतः आप देखेंगे कि आजकल की लाइफ जो है लोगों की ज़्यादातर वो है स्ट्रेस से भरी हुई रूटीन ये है कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं स्ट्रेस में हैं उनका खान पान सही समय से नहीं हो रहा है तो आपको समझना है कि बॉडी जो हमारी है ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ काम करती है बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब आप देखेंगे जैसे पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं उनको अगर सुबह पाँच बजे उठना है तो उन्हें किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती वो पाँच बजे उठना है तो उठ ही जाएंगे फिर आप स्वयं भी देखेंगे कि यदि आपका समय सात बजे चाय पीने का तो आपको ध्यान में आएगा कि मुझे अब चाय मिल जाए यदि आपका लंच टाइम ग्यारह बजे का है तो आपको कहीं ना कहीं ग्यारह बजे के आसपास भूख लगने लगेगी ऐसे ही शाम को पाँच बजे और रात को आठ बजे तो एक रूटीन हमारा जो बॉडी का होता है वो फिक्स है हमारी बॉडी डिमांड करती है सुबह नाश्ते के टाइम पे फिर लंच के टाइम पे फिर स्नैक्स के टाइम पे रात के डिनर के टाइम पे और ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में बॉडी में होता है मतलब शरीर में जिस तरह से हम खाना खाते हैं उस हिसाब से ऊर्जा बनती है और ऊर्जा खर्च होती है और एक रिदम बन जाती है पूरी बॉडी को उसी को आप बोल सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक जैसा काम करती है वो ये क्लॉक अगर हम बार बार बिगाड़ेंगे तो हमारे शरीर में विकार पैदा होंगे डिजीज़ पैदा होगी डिस्टर्बेंस पैदा होगा बॉडी उसको कंपनसेट करती है समय समय पे कोशिश करती है कि बैलेंस कर सके जैसे हम उसको ट्रेन करते हैं फास्टिंग से ट्रेन करते हैं व्रत वगैरह रखते हैं पेट को मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन अगर ये रिदम बार बार टूटेगी और ये देखेंगे आप एसिडिटी उन लोगों को ज़्यादा होती है जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं जिनका खान पान सही समय से नहीं होता है जो बार बार अपनी मील्स को मिस करते हैं बिना खाए पिए काम चले जा रहे हैं या दिन भर बिना खाए पिए काम करते जा रहे हैं तो जब तक हम यंग हैं बॉडी का रिज़र्व अच्छा है बैलेंस होता है जिस दिन वो रिज़र्व कम होने लगता है विद एज तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं तो एसिडिटी ऐसी ही चीज़ है कि जब हमारा खान पान बार बार बिगड़ता है या हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या कुछ चीज़ें जैसे दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं ख़ासतौर से जो पेन किलर्स हैं दर्द की सिर दर्द की दवाइयाँ ये सब ये एसिडिटी बढ़ाती ही हैं तो इस तरह के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जब आते हैं पेट में तो हमको एसिडिटी बढ़ने लगती है और जिसके साधारण लक्षण होते हैं पेट में जलन होना छाती में जलन होना पेट का फूलना खाने के बाद पेट का भारीपन होना उल्टी जैसा लगना मतली होना या उल्टी भी हो जाना और इसलिए आप देखेंगे बहुत साधारणतः पुराने ज़माने में जब एसिड होती थी तो पानी पी लो या दूध पी लो या जो आजकल बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं एंटासिड ले लो कॉमन जैसे न्यूट्रलाइजिंग एजेंट हैं बेसिकली ये सारे कि अगर एसिड बन गया आप पानी पी लेंगे थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा राहत मिलेगा दूध पिएएंगे राहत मिलेगा इनो जैसे मार्केट में आते हैं बहुत सारे एंटासिड्स होते हैं जिनको पीने से आराम मिलता है और डाइजीन अलजल इस तरह के बहुत सारे सिरप्स अवेलेबल हैं जो आम लोग साधारणतः यूज़ करते हैं परेशानी कहाँ आती है कि ये सिर्फ ट्रांजिएंट इफ़ेक्ट देते हैं आप जब जब लेंगे राहत मिलेगी लेकिन फिर अगले दिन आपने वही किया फिर बनेगा और सबसे बड़ी चीज़ आपको यह समझना है कि यदि पेट में एक बार एसिडिटी से सूजन आई तो मैं अपने मरीजों को ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे हाथ में जरा सी चोट लगी फॉर एग्ज़ाम्पल हम गिर गए और जरा सा छाला भी हुआ तो हम क्या करते हैं उसको हम उसको साफ़ करते हैं उसमें दवा लगाते हैं भरम पट्टी करते हैं और वो छाला तीन दिन में ख़त्म हो जाता है ठीक हो जाता है पर पेट में आप यहाँ इमेजिन करिए कि अगर वहाँ जरा सा भी छिल गया जो एसिडिटी से हो जाता है लंबे समय तो फिर होता क्या है कि हमें डेली तीन बार खाना खाना है तो तीन बार कम से कम एसिड बनना है तो यहाँ स्थिति ये यह होती कि वो जो छाला था वो दिन में तीन बार एक्सपोज होगा एसिड के लिए और वो कभी भर नहीं पाता तो प्रॉब्लम है तो हल्की सी लेकिन वो ठीक नहीं होती है। क्योंकि हम खाना खाएंगे ज़िंदा रहने के लिए एसिड डेली बनेगा और बार बार वो चीज़ वहाँ पे इरोड होती रहती है और विद टाइम अगर वो चीज़ बढ़ जाए तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक और मैं यहाँ बात कहूँगा कि एक बहुत साधारण सा एक इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन ये बहुत कॉमन है और हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा है इसके इन्फेक्शन से भी एसिड बहुत ज़्यादा बनता है पेट में तो कहने का मतलब ये है कि हमें एसिडिटी के कई लक्षण हो सकते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए हमें ये देखना होता है कई बार लोग खुद सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं एसी लॉक की गोली खा ली पेंटोसिड की गोली खा ली उसको खाने से उनको आराम भी आता है लेकिन हमको समझना ये है कि हमारी एसिडिटी किस गंभीरता तक पहुंच गई है तो अगर कभी भी ये चीज़ ज़्यादा समय तक रहती है ज़्यादा समय हम चार हफ्ते से ज़्यादा मानते हैं या हमारे साथ उसमें एसिडिटी के चलते कुछ अलार्म सिम्टम्स बोलते हैं मान लीजिए कि हमें बार बार हो रहा है वो भी अलार्म सिम्टम है हमारी भूख कम हो रही है या हमको उल्टियाँ लगातार हो रही हैं या हमारा वज़न गिर रहा है या कभी उल्टी के साथ हमको खून आ गया है तो ये सब हमारे उसमें अलार्म सिम्टम्स हैं तो इसमें तो डॉक्टर को मिलना ही है लेकिन उसके अलावा भी अगर कभी भी लक्षण कुछ लंबे समय से ज़्यादा रह जाए दो हफ्ते से ज़्यादा या दवाई दो या चार हफ्ते भी मान सकते हैं या दवाइयाँ जो हमने खाई हैं उसको खाने के बाद फिर से हो रहा है बार बार तो सबसे सही है कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें उसको समझें कि वो वाकई एसिडिटी है या कुछ और भी है इलाज बहुत ही आसान सा है क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि एसिडिटी के ट्रीटमेंट में हमको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए स्ट्रेस फ्री होगी हम आराम से रूटीन फॉलो करें कुछ योगा करें अपने आप को खुश रखें अपनी लाइफ के साथ बैलेंस बनाएं, वर्क और लाइफ जो है एंजॉय करें ज़िंदगी को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समय से खाना खाएं, स्वादिष्ट पौष्टिक और सुपाच्य भोजन लें सुबह शाम ताकि हम हेल्दी रह सकें और अगर तकलीफ़ हो तो हम डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलें हम उसका कारण जानने की कोशिश करें कि वेदर इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ़ लाइफ या हमारा डाइट्री पैटर्न गड़बड़ है या हमारा पूरा दिनचर्या ही गड़बड़ है या हमको कोई इन्फेक्शन है या हम कुछ इस तरह की दवाइयाँ अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं जो हमें बार बार एसिडिटी कर रहा है तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो एसिडिटी से हमें निजात भी मिल सकती है एसिडिटी जड़ से ठीक भी हो सकती है और उसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच भी सकते हैं एसिडिटी की डायग्नोसिस बहुत सिंपल तरीके से होती है कई बार जैसे यंग लोग विदाउट अलार्म सिम्टम्स आते तो हम भी उनको एग्जामिन करके डॉक्टर उसको दवाइयों से ही ठीक कर लेते हैं यदि हमें लगता है कि नहीं इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस या इसका कारण कुछ और हो सकता है तो हम कुछ बेसिक से टेस्ट करते हैं अगर डाउट होता है कि इसमें अल्सर हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है तो हमें एंडोस्कोपी का भी सहारा लेना पड़ता है एंडोस्कोपी बहुत सिंपल सा टेस्ट है आप उसको लोकल एनिस्थिसिया में भी कर सकते हैं जस्ट एक स्प्रे दे इट टेक्स जस्ट टू टू थ्री मिनट्स दो से तीन मिनट का काम है और एक्सपर्ट हैंड्स में इसमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है लेकिन उससे मिलने वाली जानकारी हमारे इलाज में सहायक होती है साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों दूसरी बीमारियां जो एसिडिटी जैसी ही पेट के अंदर हो सकती है उनको हम रूल आउट भी कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि यदि हम अपने रूटीन का ध्यान रखें समय से खाएं, व्यायाम करें अन्यथा अननेसेसरली मेडिसिन ना लें तो हम एसिडिटी से बच भी सकते हैं और यदि एसिडिटी हो जाए तो उसे ठीक भी कर सकते हैं थैंक यू